वाराणसी चार जिलों के मतदान के आखिरी चरण को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी व मुख्य रूप से मतदान को लेकर चार जिलों में काफ़ी फोर्स तैनात की गई है और जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी व्यवस्था रखी गई है, जिसमें कोई भी तरीके की कसर नहीं छोड़ी गई है जो कि लापरवाही का दाग प्रशासन पर लगे। और बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से सीसी कैमरे, माइक्रो, अन्य ऐसे समारोह का इंतज़ाम किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश न कर पाए। वहीं बात करते हुए मीडिया से बताया कि चंदोली नक्सलाइट एरिया कहा जाता है, वहीं उच्च अधिकारी ने कहा है कि फोर्स प्रशासन की तरफ से तैनात पीएससी बल भारी मात्रा में फोर्स के रहते हुए जो मतदान करने जाएंगे उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर क्षेत्र में गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है जिसमें बैठकर मतदान जाकर जनता दे सके। जिस हिसाब से सातवां चरण मतदान को देखते हुए तापमान 45 डिग्री पार हुआ, उसी के देखते हुए, नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और काफ़ी सुकून और शांति से चुनाव का इंतज़ाम किया गया है, यानी मतदान का इंतज़ाम किया गया है। और हम चाहेंगे कि सातवां चरण मतदान अंतिम हो और शांतिपूर्वक हो। निष्पक्ष और इंक्लूसिव चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी है और हमें सभी मतदाताओं से अपील है कि निर्भीक होकर अपने अपने मतदान स्थल पर जाकर अपना मत का प्रयोग करें। सर, चंदौली नक्सलाइट एरिया है, कुछ जगह पे वहाँ के लिए क्या, वहाँ के लिए विशेष व्यवस्था आईजी साहब और एडी साहब के निर्देशन में पर्याप्त व्यवस्था की गई। हम लोग कल भी खुद भी वहाँ पर भ्रमण में रहेंगे और मुझे वहाँ के मतदाताओं से ये अपील है कि बिना किसी भय के उन क्षेत्रों में भी निकलकर भारी संख्या में अपने मतदान। दिव्यांगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था? दिव्यांगों के लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है, व्हीलचेयर्स की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, शेड की व्यवस्था की गई है। इस बार इलेक्शन कमीशन के निर्देशन पर हर बूथों में एक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की गई है, जिसका मेरे द्वारा चारों जनपदों में औचक रूप से भ्रमण किया के देखा गया। और जो पिछले जो जौनपुर और मछली शहर का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोग भ्रमण में थे, सभी जगह अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जानी थी वो सभी जगह। वो सब अलग अलग जनपदों के एक पूरा ऑब्जर्वर्स के साथ समन्वय स्थापित करके जो वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का पूरा मापदंड बनाया जाता है और उसके हिसाब से वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वेबकास्टिंग, सीसीटीवी, अफसर, हमारे कैमराज, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सभी व्यवस्था की जाती है। और जो भी इलेक्शन कमीशन के इस संबंध में मार्गदर्शन है वल्नरेबिलिटी की, उसका ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया जाता है। यहाँ पे पूरे तीनों जनपदों में आज पार्टियाँ रवाना हो रही हैं और किसी प्रकार की कहीं पूरी समस्या नहीं, करीब 80% पार्टियाँ रवाना हो चुकी हैं। पर्याप्त पुलिस बल उनको प्राप्त हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीएसी वगैरह मिली है और स्पेशली हमारा जो फोकस है रेंज के अंदर वो चंदौली के अंदर है, क्योंकि नक्सलाइट एरियाज़ जो हैं उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे शेडो एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल काम नहीं करते, तो वहाँ पर वायरलेस सेट की व्यवस्था की है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। मेरे और कमिश्नर साहब के द्वारा उन क्षेत्रों का पूर्ण भ्रमण किया गया था और सभी तैयारियां पुलिस की पूरी और मतदान शांतिपूर्वक कराया जाएगा। कितनी फोर्स लगाई जा रही है, कितनी संवेदनशील है, कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, हर एक जनपद में अलग अलग संवेदनशील हुए, लेकिन उन सभी जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज ने रूट मार्च किया है, एरिया डोमिनेशन किया है, तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ कैंडिडेट्स वगैरह ने जो सूची या आम जनता के माध्यम से जो सूची प्राप्त हुई है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया है। सबसे हाईली सेंसिटिव एरिया को मान के आप लोग देखिए, हम तो सभी जगह को पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विशेषकर रूप से चूँकि चंदौली का एरिया है, थोड़ा दुर्गम स्थान है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, बिकॉज वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था की, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगाए गए और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उनको पहले ही उन सारे जो एरियाज़ हैं उनका भ्रमण कर लिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल।